आप कह रहे हैं कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, तो क्या विपक्ष सबको बांट रहा है? आपके सामने ही है विपक्ष क्या कह रहा है। विपक्ष के बारे में बात करें, खासकर कांग्रेस के बारे में बात करें, वो नित नए उनके जो सगुफे होते हैं उसके अंदाज लगा लीजिए। भगवान राम के मंदिर को मामले को लेकर वही हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में खिलाफ गए, बाद में उनने निमंत्रण तक ठुकरा दिया। तो ये कांग्रेस का चरित्र सबने देखा, और वो क्या उनके जैसे उनके साथ माने वाले सब लोगों के चरित्र दुनिया देख रही है। उस दिन नहीं गए ना, 22 को नहीं गए, बाद में तो जाएंगे। मैंने आपसे फिर निवेदन किया कि भाई मैं आपको निमंत्रण अगर देता हूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि भगवान राम के निमंत्रण को ठुकराए। चलो कोई बात नहीं, पुराना जमाना था जब आपने विरोध कर लिया होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के आधार पर भगवान राम का मंदिर बन रहा था। तो डॉक्टर साहब आपको क्यों लगता है क्यों विपक्ष नहीं आया, क्या वजह थी? अब मैं ये थोड़ी जान सकता हूँ उनने क्या सोच के किया। उनको लगता है वो आज तक हिंदू मुस्लिम को दो हिस्सों में देख करके हमेशा उस झगड़े के आधार पर मुस्लिम वोट बैंक की चिंता करते, इसलिए नहीं गए, ऐसा मैं मान सकता हूँ। बाकी तो वो बताएंगे उनने क्यों नहीं गए। पर अभी आपने देखा कि राहुल गांधी शिव जी के दरबार में गए, पूजा अर्चना उन्होंने की, वो तस्वीरें भी आपने देखी। भगवान राम के मंदिर पे उद्घाटन के समय क्यों नहीं गई, ये जवाब पूरा देश पूछ रहा उनसे। अब दिखावे करने से क्या होता है, जब दुनिया देख रही थी, विश्व में सारा इंतजार कर रहा था भगवान राम के गर्भगृह के प्रवेश करने का। आप बताइए भारत के कौन से अंचल के कौन सी हस्तियां वहां उपस्थित नहीं थी, नहीं थे। अगर नहीं थे तो राहुल गांधी और उनकी पार्टी उपस्थित नहीं थी, तो वो इस बात को क्यों नकारती है। भगवान राम के मामले में उनका ऐसा दृष्टिकोण क्यों होना चाहिए? तो भगवान राम आपको आशीर्वाद देंगे और विपक्ष को नहीं, आपको लगता ये है? हम और थोड़ी कह रहे थे। मैं राजनीतिक तौर पर पूछ रहा हूं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। भगवान राम क्या करेंगे, भगवान तो सब पे कृपा करते हैं, लेकिन कृपा पाने वाले की भाग्य भी तो होना चाहिए उनका। अगर वो हमारे अपने समुदाय को अपमानित करते हैं तो अपमान करने वाले समाज को विश्वास करना, विचार करना पड़ेगा नहीं कि इनके बारे में क्या करना चाहिए।